हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं सैमसंग का TU8000 स्मार्ट टीवी लेने की, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं या क्यूरियस है कि कौन कौन सी एप्स उसमें चलती हैं, कौन कौन सी एप्स उसमें इनबिल्ट सपोर्ट देते हैं सैमसंग वाले, और कौन कौन सी एप्स आपको प्ले स्टोर पर जाके उसके डाउनलोड करनी होगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपके मन में जितने भी सवाल हैं एप्स को लेके, कौन सी एप्स उसमें होती हैं प्ले स्टोर के अंदर, कौन सी एप्स नहीं होती है, क्या उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर सबसे पहले हम बात करें टीवी के अंदर जो इनबिल्ट ऐप आती है इसकी, वो कौन कौन सी एप्स है, तो सबसे पहले मैं आपको वो एप्स दिखाता हूँ। तो इसमें जो इनबिल्ट एप्स आती है, सबसे पहले नेटफ्लिक्स है जो टीवी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है और रिमोट पर भी इसका कंट्रोल दिया गया है। साथ ही साथ जो इनबिल्ट ऐप आती है वो अमेज़न प्राइम है, इसका कंट्रोल भी टीवी के रिमोट कंट्रोल पर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो Z5 है, ये भी इनबिल्ट ऐप है, इसका भी कंट्रोल टीवी के रिमोट कंट्रोल पर दिया गया है। बाकी जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप आती है उसमें आप देखेंगे एप्पल टीवी भी इसके अंदर आता है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 जो 1, 2, 3 और ये 4, ये जो मल्टीमीडिया ऐप है इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आती है, लेकिन इनमें से तीन के कंट्रोल वो नेटफ्लिक्स प्राइम और G5 का कंट्रोल रिमोट पे दिया गया है, एप्पल टीवी का कंट्रोल रिमोट पर नहीं दिया गया है। तो इन तीन ऐप्स के अलावा अगर आप कोई और ऐप ओपन करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसका जो सैमसंग का जो प्ले स्टोर है उस पर लॉगिन करना होगा, सैमसंग का अकाउंट बनाना होगा। उस अकाउंट को बनाने के बाद ही आप इसके जो ऐप स्टोर है उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको वो बनाना है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको इस पर नेटफ्लिक्स भी चला के दिखाऊंगा कि कैसी क्वालिटी है उसकी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और ऐप स्टोर को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो ऐप्स है, कम से कम 6 या 7 ऐप्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि क्या उनके जो एप्लीकेशन स्टोर है उसके अंदर वो ऐप्स हमें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो अभी मैंने सैमसंग का अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो पेज है, इस पेज पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इस पेज पे आपको आना कैसे है वो भी मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप इसके मेन मेन्यू पे जाएंगे, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है सैमसंग अकाउंट का। तो मैं एक बार ही बैक करता हूँ और सैमसंग अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे से मांगेगा कि मेरा साइन इन क्या है। अगर मेरे पास मैंने अपना साइन इन नहीं बनाया हुआ है तो मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको ये अकाउंट क्रिएट करना ही होगा। तो चलिए बनाते हैं इस अकाउंट को। तो यहाँ पे लिखा गया कि साइन अप फॉर सैमसंग अकाउंट ऑन योर मोबाइल और पीसी एट account.samsung.com, यानी कि आप इस टीवी पे ये नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल या अपने पीसी से इस अकाउंट को बनाना होगा। तो देखता हूँ कि क्या मैं अपने टीवी पे इंटरनेट ऑन करके इस जो इंटरनेट इसका एक्सप्लोरर है उसको ऑन करके और उसके पेज पे जाके मैं अकाउंट बना पाता हूँ या नहीं। चलिए दिखाता हूँ आपको वो प्रोसेस। तो अभी मैंने टीवी में टीवी का इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके उस पर ही account.samsung.com खोल लिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा आई एग्री टू ऑल। तो आपको यहाँ पे आई एग्री टू ऑल पे क्लिक करके अग्री करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे अग्री करूंगा। तो इसके बाद सीधा एक नॉर्मल जो लॉगिन पेज आता है जिसमें कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपना फोन नंबर, अपना जो ईमेल आईडी होता है, उसके बाद आपके फोन पर या आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाता है जिससे कि आप कंफर्म करते हैं कि हाँ ये आप ही का अकाउंट है और आप ही इस अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसे कंफर्म करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है, क्योंकि वो स्टेप्स मैं आपको पूरे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। हाउएवर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से जैसे हम नॉर्मल ईमेल आईडीज बनाते हैं या दूसरे अकाउंट्स बनाते हैं, वैसे ही सिंपल samsung.com पे आप जाके login.samsung.com पे जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके ऐप स्टोर के अंदर। चूंकि मैंने अब लॉगिन कर लिया तो अब मैं सारी की सारी ऐप्स आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी ऐप्स इसमें एग्जिस्टिंग है और कौन कौन सी ऐप्स इसमें नहीं है। तो अभी मैंने ये ऐप स्टोर ओपन कर लिया है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें जो मोस्ट पॉपुलर वाला जो सेगमेंट है इसमें आप देखेंगे सबसे पहली ऐप की बात हम करते हैं हॉटस्टार, क्योंकि हॉटस्टार भी एक बहुत ही फेमस ऐप है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस इनके एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सैमसंग वालों के। तो यहाँ पे इन्होंने ये इसका दिया हुआ है इंटरफेस, आप देखेंगे यहाँ पे ऐप का साइज भी बता रहा है, प्राइस बता रहा है, फ्री है, और इसके अलावा डेवलपर वगैरह और बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रहा है। तो अगर आप हॉटस्टार को करना चाहते हैं इसके एप्लीकेशन स्टोर से तो ये अवेलेबल है सैमसंग के एप्लीकेशन स्टोर में। तो चलिए चलते हैं अगली आपकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं G5 की, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका बटन भी रिमोट पर डेडिकेटेडली दे रखा है और ये आप भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ऑलरेडी मेरे टीवी में ये इंस्टॉल है। तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन सीधा दिखा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है, ऐप का साइज,
अगर अगली ऐप की बात करते हैं तो YouTube Kids अगर आप करना चाहते हैं तो YouTube Kids को भी आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे ये पूरा दिखा रहा है। Sony Live भी एक बहुत पॉपुलर ऐप है, तो अगर आप इसको भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये ऐप भी आपको इनके इनके एप्लीकेशन स्टोर में मिलेगी। तो यहाँ पे भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है और प्राइस इसका बता रहा है, बिल्कुल फ्री है। चलिए अगली ऐप की बात करते हैं, तो अगर जियो सिनेमा, मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे से पूछा था क्या जियो सिनेमा की ऐप भी इस पे अवेलेबल है, तो उनके लिए ये इनका इसका आंसर है कि यहाँ पे जियो सिनेमा की अगर वो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, और ऐप का साइज जो है वो 15.37 MB है, तो वो बिल्कुल फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन सी मोस्ट पॉपुलर के अंदर है। फेसबुक वॉच है, याप टीवी, वूट, मेरे कुछ व्यूअर्स ने वूट के बारे में भी पूछा था, तो वूट के बारे में बताऊं तो वूट भी इनके एप्लीकेशन स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका प्राइस दिखा रहा है बिल्कुल फ्री, और अवेलेबल जो इसका ये साइज दिखा रहा है 13.70 MB अवेलेबल में दिखा रहा है कि आपके टीवी के अंदर अभी कितनी मेमोरी जो स्टोरेज स्पेस है वो अवेलेबल है, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हाँ आपको किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना है और उसके बाद जो नई ऐप है उसको इंस्टॉल करना है या नहीं, आपके पास ऑलरेडी इतना स्पेस है कि आप दूसरी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। अगली ऐप में चेक करके आपको दिखाऊं जो कि है ALT बालाजी, तो देखते हैं क्या ALT बालाजी इनके ऐप स्टोर पे है। तो यहाँ पे मैं ALT टाइप करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे ALT के साथ तो ये आ नहीं रहा है, तो यानी कि इनके जो ऐप स्टोर है उसके अंदर ALT बालाजी जो है वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ एक बारी TVF करके भी डालते हैं, वायरल फीवर की जो ऐप है, देखते हैं क्या पता वो इसके प्ले स्टोर में जो इसका एप्लीकेशन स्टोर है उसमें वो हुई। तो अगर मैं यहाँ पे TVF डाल के देखता हूँ तो आप देखेंगे TVF के नाम से भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको मैक्स प्लेयर एक बार ये डाल के देखें, क्योंकि मैक्स प्लेयर पे भी काफी अच्छी अच्छी वेब सीरीज अभी आ रहा है, कंटेंट काफी अच्छा आ रहा है, तो अगर देखते हैं क्या मैक्स प्लेयर की ऐप इसके अंदर है, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं मैक्स करके डालता हूं वर्ड, तो आप देखेंगे मैक्स प्लेयर की ऐप जो है वो भी इसके अंदर नहीं है, यानी कि ALT बालाजी, TVF, मैक्स प्लेयर इनकी ऐप्स इसके एप्लीकेशन स्टोर में नहीं है। अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड एप्स की बात करूं, जो फेमस एप्स हैं उसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इसके अंदर डाउनलोडेड है, प्राइम वीडियो इसके अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, अगर आप अमेज़न प्राइम का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वो ऑलरेडी इसके अंदर डाउनलोडेड है, G5, एप्पल टीवी, यूट्यूब, ट्यून स्टेशन म्यूजिक, ये सारी की सारी जो है इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। तो चलिए एक बार करते हैं नेटफ्लिक्स को ओपन और देखते हैं कैसा दिखता है इसके अंदर नेटफ्लिक्स। तो अभी मैंने नेटफ्लिक्स पर लॉगिन कर लिया है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर लॉगिन करता हूँ तो इसमें मुझे ये बताया जाता है कि अगर आप नेटफ्लिक्स का क्रिस्टल क्लियर अल्ट्रा HD क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा देने होंगे, क्योंकि आपको अपना प्लान जो है वो अपग्रेड करना होगा। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस टीवी को लेने के बाद आपका जो नॉर्मल नेटफ्लिक्स का कनेक्शन जो आपने ले रखा है, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उससे आप 4K कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा, जो कि ₹300 पर मंथ होगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको नो थैंक्स कर देता हूं, और आप देखेंगे कि यहां पे जो है यहां पे जो वेब सीरीज है वो ओपन होना शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरीके से नेटफ्लिक्स का पेज इस पर डिस्प्ले होता है। इसी तरह से अगर आपने Amazon Prime का भी कनेक्शन ले रखा है या उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो अगर आप उस पर लॉगिन करना चाहें तो कर सकते हैं और अपना जो कंटेंट है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी ऐप्स के बारे में डाउट क्लियर कर दिया होगा कि कौन कौन सी ऐप Samsung की जो एप्लीकेशन स्टोर है उसमें है और कौन कौन सी ऐप्स नहीं है। तो अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।